हाय हाय हाय, क्या स्किन है देखने में, चस आ रही। पता नहीं गेम प्ले कैसा होगा इस पर। फर्स्ट ब्लड। First blood. First blood. First blood. सो है अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फ्री गैंग टू अनदर वीडियो। यार M187 की न्यू स्किन आ रही है ना आज 12 बजे, एंड लेवल है। एट्रीब्यूट्स को छोड़ो, स्किन चेक करो, मतलब इसका जो लुक है, इसके लुक ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो ये आज 12 बजे आएगी कम्पलीशन, गैचा वाले जो इवेंट्स होते हैं ना उनमें आएगी। इसके साथ एक बैग भी मिला, शायद ये भी उसी में मिले अभी। मना जस्ट ये चेक करो इसकी एनिमेशन, इसमें मेरी सबसे अच्छी बात थी ये चेक कर रहे जो लाइटनिंग से आ रही है ना, मुझे ये लगी। बाकी एट्रीब्यूट पर बात करते हैं कि ये स्किन गुड है या नहीं या सिर्फ देखने में। अगर आप लोगों को याद हो, आज से तकरीबन 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने 3-4 मरतबा कहा था कि अगर आपको हेडशॉट से मतलब है तो आपके लिए जो स्किन चाहिए वो है डबल लेटर फायर वाली स्किन। एंड इसकी एबिलिटी में है डबल लेटर फायर। आप लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही तो लिया कि कैसे डबल टैप में भी हेड्स लग रहे थे और 1 टैप में भी लग रहे थे। अब बोलोगे इससे पहले जो स्किन आई थी पर्पल वाली उसमें भी डबल लेटर फायर है। माना वो स्किन अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट उसमें मसले की उसमें एक्यूरेसी माइनस है। अब एक्यूरेसी माइनस का सीन ये है कि आपके सामने बंदे आपने उस पर गोलियां चलाई, एक्यूरेसी माइनस होने की वजह से गोलियां उसके दाएं बाएं से निकल गई। देखो अगर मैं चाहूं तो इस वीडियो को 8-9 मिनट तक खींच सकता हूं, एक बात को बार बार दोहरा के, ओ भाई साहब क्या ओपी स्किन है, ओ भाई साहब लेजेंडरी स्किन वगैरह वगैरह। बट सीरियसली मेरे से चीज नहीं होती, एक तो यार ऑडियंस भी बोर हो जाती है एंड मजा नहीं आता। जैसा कि आप लोग पता ही कि डबल रेट ऑफ फायर का मतलब ये होता है कि गोलियां जल्दी जल्दी निकलती है गन। तो अब बात करते हैं रेंज पर। देखिए रेंज प्लस होने का फायदा होता है कि बंदा आपकी शॉर्ट रेंज में आप उसको डैमेज दे रहे हो, उसको जितना डैमेज शॉर्ट रेंज में पड़ रहा है सेम सीन अगर आप मिड रेंज में करोगे तो लगभग उतना ही डैमेज उसको मिड रेंज में पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर गन्स। और स्किनों में ये होता है कि बंदा आपकी मिड रेंज में है तो उसको डैमेज बहुत ही ज्यादा कम पड़ता है। यार ये था आपकी न्यू M1887 स्किन का खुलासा। 8 मिनट को मैंने तकरीबन 30-40 सेकंड तक कर दिया। नाउ इट्स अप टू यू, अगर आप बॉडी शॉट किंग हो तो आपकी जो स्किन बेस्ट है वो है डैमेज वाले जिनके डैमेज प्लस, बट अगर आप चाहते हो कि आपके हेडशॉट्स वगैरह लगे जल्दी लगे तो यार डबल लेटर फायर वाली स्किन ही यूज करो। अब हमारी वीडियो का जो मकसद था वो यहाँ पर आकर पूरा हो चुका है, बट वीडियो को लंबा करने के लिए मैं एक और टॉपिक ऊपर कर रहा हूँ जो कि है आईडी बैन। क्योंकि आजकल बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरी आईडी सस्पेंड हो गई, मैंने कोई हैक यूज नहीं किया था। तो यार इस टॉपिक पर मैंने बहुत वजाहत से बात की गरीना वाले, उन्होंने मुझे ये कहा कि यार देखो अगर आपकी आईडी बैन होती तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप हैक यूज कर रहे थे, उस से आपकी आईडी बैन हुई है। किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी एप्स अगर आप यूज करोगे तो आपकी आईडी सस्पेंड होगी, बैन होगी। अब थर्ड पार्टी एप्स का सीन है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग ये करते हैं कि वो फाइल्स डाउनलोड करते हैं फिर उनके पास गन्स की स्किन शो होती जो कि उनके पास होते भी नहीं, तो इस वजह से उनकी आईडी सस्पेंड हो जाती है। एक ऐसी चीज जो कि गेम में बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती बट आप उसको गेम में जबरदस्ती ला रहे, फॉर एग्जांपल मार्शमेलो का बंडल हो गया। ऐसे और भी कुछ चीजें जो कि थर्ड पार्टी में आती है, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसका मोड वर्जन डाउनलोड करो तो थर्ड पार्टी में आते हैं। तब जहां तक मुझे लगता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करे वो थर्ड पार्टी वाला है। आई नो आप लोगों की बात थोड़ी सी फनी लगेगी बट यार मुझे लगता है यही है कि अगर आप थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते गए ना उस चीज को डिटेक्ट कर लेते किसी भी तरह से तो आपकी आईडी बैन हो जाती है। अब रिसेंटली मेरा एक सब्सक्राइबर है उसकी आईडी बैन हुई, जब मैंने उसको बोला कि तुमने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज की तो उसने बोला स्क्रीन रिकॉर्डर या और भी किसी किस्म की इम्प्रॉपर एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट एक मोबाइल में कभी लॉग इन हो रहा है, कभी दूसरे में हो रहा है, कभी दोनों में एक साथ आप लॉग इन करने की ट्राई करो तो इस तरह से भी आईडी बैन हो जाती है। बस आज के लिए इतनी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।